आपका IBN न्यूज़ में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे मनाने का मुख्य कारण यही है कि हमें विवेकानंद जी के जीवन से सीखना चाहिए। वे अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। विवेकानंद जी एक संत समान तो थे ही, लेकिन वे एक महान देशभक्त, विचारक, वक्त के साथ एक लेखक भी थे। हर पीढ़ी के व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श बनाकर मानकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज से आजी द्वार स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर संस्था साहस द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं संस्था के सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद की रंगोली से प्रदर्शनी की। वहीं आज संस्था साहस ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संस्था साहस का शुभारम्भ किया गया। जानकारी देते हुए संस्था साहस यश वर्मा ने बताया कि संस्था साहस धार्मिक, सामाजिक एवं युवाओं के लिए कार्य करेगी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर संस्था का शुभारंभ किया। वहीं संस्था के सदस्य अमन यादव, सागर परिहार, अतुल पटेल, अनुराग परमार, अभिषेक चौहान, नीलेश परमार, हर्ष गहलोत, बंधन चौधरी एवं समस्त सदस्यगण उपस्थित थे। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। भैया बताएं, आपने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, क्या कुछ करेंगे? आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एवं युवा दिवस के अवसर पर हमने हमारी संस्था संस्था साहस परिवार का जो उद्घाटन किया, वह हमने सभी से यहाँ बात की कि हम यह संस्था धार्मिक व सामाजिक कार्य करेगी। एवं हमने यहाँ पर आज स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं स्वामी जी की प्रतिमा पर स्वामी जी की माल्यार्पण कर हमने रंगोली का प्रदर्शन किया। क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं? हम युवाओं को यहाँ प्रेरित करना चाहते हैं कि वह युवाओं के स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन पर चलें। आपका नाम? मेरा नाम यश वर्मा। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।